चालक भी महिलाएं हों, उनको महिलाओं की सुरक्षा का पहले इंतजाम करना चाहिए। सर इस तरह से जेल आजम खान को अलग अलग जेल में छुट्टी किया जाए और ये निरंतर अन्याय हो रहा है। कभी ऐसा होता है, मान लीजिए जिसमें सजा हुई है उसमें अगर सर्टिफिकेट बेटे ने लगाया था तो माँ बाप को दोषी ठहराया जा सकता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। अब दिक्कत यह है कि इस देश में तो खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी नाम मुस्लिम आता है तो कैसे उसे परेशान किया जाए, कैसे दंडित किया जाए, सिर्फ यही क्राइटेरिया रह गया है। अरे कमलनाथ जी मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगा। चालक भी महिलाएं हों, उनको महिलाओं की सुरक्षा का पहले इंतजाम करना चाहिए। सर इस तरह से जेल आजम खान को अलग अलग जेल में छुट्टी किया जाए और जान को खतरा है, ये निरंतर अन्याय हो रहा है। कभी ऐसा होता है, मान लीजिए जिसमें सजा हुई है उसमें अगर सर्टिफिकेट बेटे ने लगाया था तो माँ बाप को दोषी ठहराया जा सकता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। अब दिक्कत यह है कि इस देश में तो खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी नाम मुस्लिम आता है तो कैसे उसे परेशान किया जाए, कैसे दंडित किया जाए, सिर्फ यही क्राइटेरिया रह गया है। अरे कमलनाथ जी मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।